हेलो एंड गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज संडे और आज मैं फिर से व्लॉग करूँगी। मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम में मतलब लाइक काफ़ी कम यूट्यूब को यूज़ करना भी बीच में से छोड़ सा दिया था, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ये चीज़ करना, तो मैंने अब फिर से स्टार्ट करा है। सो आई होप कि आप लोग भी इंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सो मैंने जैसे आपको बताया था कि कंपनी में वीडियोस वगैरह अलाउ नहीं रहता है बनाना, एंड इनफैक्ट मुझे मेरी मम्मा ने काफ़ी ज़्यादा डांटा भी कि वहाँ पर जाके तुम्हें व्लॉग नहीं करना चाहिए था, ये चीज़ गलत है। सो आई थॉट कि शायद सच में गलत है, शायद मैंने सच में गलती कर दी है। हालांकि मैंने मेरे सीनियर सर से पूछा था, बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद गलती तो हुई है मुझसे। अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। और यू गाइज वोंट बिलीव कि क्या हुआ कि मतलब पूरे जो हमारा ऑफिस है उन वो वहाँ पर सभी लोगों ने मेरी वीडियो देख ली, एंड ये बात मेरे मैनेजर सर तक भी चली गई। आई वॉज लाइक मुझे ना अंदर से ऐसा 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 हो रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या बोलूँगी, कुछ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और मेरे पास कुछ थोड़े टाइम तक तो सर नहीं आया मेरे पास, और थोड़े टाइम बाद मेरे पास सर आए और मुझे बोला कि ये सब क्या हो रहा है यूशी। आई वॉज लाइक क्या आंसर दूँ अब मैं, सॉरी सर। फिर सर बोलते कि कॉन्फ्रेंस रूम में चलो, और मुझे डर भी लग रहा है मैं क्या बोलूँगी अब उनसे, क्या क्या आंसर दूंगी मैं उनको। तो फिर मयंक सर को और सचिन सर को भी बुलाया मैनेजर सर ने, और मैं पहले गई, मैं बैठी और सर मुझे बोलते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, तुम्हें क्या लगता है ये, तुम यहाँ टाइम पास करने आती हो, क्या करने आती हो यहाँ पर। मेरे मुंह से कोई वर्ड नहीं निकल रहा था, मेरी ऐसी हालत हो रही थी ना वहाँ बैठ के, मतलब ये सॉरी भी यहाँ अटक गया था मेरा, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं उनको क्या बोलूँ अब। आई वॉज लाइक नहीं सर मैं टाइम पास करने नहीं आती हूँ, आई एम सॉरी। बोलते दिख रहा है वो तो टाइम पास कर रही हो तुम। आई वॉज लाइक कि नहीं सर आई एम सॉरी, वो तो 10-1 मिनट ही बात करी थी, अब सॉरी सर और क्या बोलूँ मैं, मुझे मुझे समझ ही नहीं आ रहा उस टाइम मुझे क्या आंसर देना चाहिए सर को। और मुझे ऐसा 5-10 मिनट डांटा सर ने, एंड देन लाइक सभी लोग हंस रहे, मयंक सर, सचिन सर और मतलब मेरे मैनेजर सर का भी नाम सचिन है, सचिन नहाटा सर, वो सभी लोग मेरे ऊपर हंस रहे। 2 मिनट बाद में देख रही हूँ और सर बोलते, मयंक सर बोल रहे हैं कि अरे उसको डराओ मत, वो तो वैसे ही डर चुकी है। एंड मतलब उस टाइम तक मेरे आंसू नहीं निकल रहे थे, और जैसे ही मैंने सबको हंसते हुए देखा मेरे आंसू जो निकले, आई स्टार्ट क्राइंग। वहीं पर सब लोग मुझे काम करेगी, हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है हो गया, तुमने अच्छा बनाया, अच्छा लगा हमें ब्लॉग। तो आई वॉज लाइक कि मुझे ऐसा लगा सर मुझसे गलती हो गई होगी, मुझे भी मम्मी ने डांटा, बट सर वॉज लाइक नहीं मुझे अच्छा लगा तुम्हारा ब्लॉग, तुमने काफ़ी अच्छा बनाया और मुझे मतलब मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ। और उस टाइम की खुशी जो थी ना, मतलब मैं बयां भी नहीं कर सकती हूँ क्या क्या खुशी मिल रही थी मुझे, मैं अंदर से कांप भी रही हूँ, आई वॉज लाइक और साथ साथ हंस भी रही हूँ, रो भी रही हूँ, सब सब कुछ एक साथ हो रहा था। दिस चॉकलेट वॉज गिवन बाय स्टीव सर, सौरभ सर, उनकी शादी फिक्स हुई थी इसलिए, एंड दिस चॉकलेट वॉज गिवन बाय सचिन सर एज एन अप्रिशिएट करने के लिए कि नहीं उनको मेरा व्लॉग काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। क्या खुशी मिली मुझे। ओके सो ये वैसे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई ये चीज़, अगर रिकॉर्ड होती भी तो शायद मैं नहीं शेयर कर पाती, बट इस टाइप की भी चीज़ हुई। सो ठीक है, अब आज संडे है, आज थोड़ा काम वगैरह करना है, खाना बनाना है, गुजिया बनाऊंगी आज मैं, और लेट्स सी और क्या क्या कर सकते हैं, पूरा दिन है अभी तो। तो चलो काम करते हैं, काम पे लगते हैं। ओके सो दिन की शुरुआत खाना बनाने से करी जाए, पापी पेट का सवाल, बाल बांध दिए जाए इसके पहले।
नाउ आई एम गोना एडिट माई वीडियो जो आज ही शूट करा है मैंने, जो आज का ही है वही मैं एडिट करके रख रही हूँ, बिकॉज आई नो कि अगर मैंने आज नहीं करा ना एडिट तो वो 3-4-5 दिन तक नहीं हो पाएगा एडिट, बिकॉज मुझे टाइम नहीं ना मिल पाएगा। तो मैं आज ही एडिट थोड़ा बहुत करके रख लेती हूँ और फिर थोड़ा बहुत करती रहूँगी धीरे धीरे करके। और हाँ, एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करती हूँ एडिटिंग के लिए। एक्चुअली ना मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करके रखे, मैंने वेलो यूज़ करा है, मैंने फिल्मोरा यूज़ करा है, मैंने काइन मास्टर यूज़ करा है, मैंने व्लॉगिट यूज़ करा है। तो अभी रिसेंटली मैं फिल्मोरा और व्लॉगिट यूज़ कर रही हूँ। व्लॉगिट भी फिल्मोरा का ही यू नो की तरफ से है, तो अभी मैं रिसेंटली मैं वो दोनों यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, सो अब मैं खाना खाने भी जाऊँगी। ठीक है, अब मैं खाना खा के आती हूँ, थोड़ा बहुत एडिट कर लेती हूँ, फिर बात करते हैं। संडे एक मात्र ऐसा दिन रहता है मेरे लिए जो मेरा सातों दिन यू नो वेट ख़त्म करता है, 6 दिन, सॉरी सॉरी, 6 दिनों का वेट ख़त्म करता है। और वो 6 दिन मैं वेट करती हूँ रिशा से मिलने का। आज के दिन मैं फ्री रहती हूँ तो थोड़ा रिशा के साथ टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। तो चलो, मैं शाम हो गई है, दिन में गई थी मैं तो लॉक लगा था, सो मैं अब जा रही हूँ ऋषा से मिलने, मिल के आते हैं उससे, देखते हैं क्या मज़े मस्ती हो रही है। चलो तेओ। ये बुल क्या करती है? ये मो करती है, ये बुल का ग्रास खाती है। क्या ये बुल कोरोना वायरस से लड़ सकती है? हाँ, ये इतनी ताकतवर वाली बुल है। कितनी ताकतवर है? इतना नहीं, ये किसान किसान को बहुत मदद करती है। ये किसान की बहुत मदद है। किसान क्या होता है ऋषा? किसान क्या होता है? किसान उसको बोलते हैं। किसको? आपने रिपीट तो करा ही नहीं। ये सब लोगों को, इंसानों को बचाती है। अच्छा, मैंने तो सुना कि बुल मारती है इंसानों को। नहीं नहीं, वो चोर लोगों को मारती है, वो इंसानों को नहीं मारती, वो चोर लोगों को मारती। ओके, इतनी ताकत है। कितनी ताकत है इस बुल में? कई टन क्या होता है? सो दिस वॉज माई डे, माई संडे। यूजली इसी टाइप से स्पेंड होता है घर पर। होप यू गैस इंजॉयड, इफ यू इंजॉयड इट गिव इट अ बिग थम्स अप। मेरे घर पर सब सो चुके हैं और अगर मैं ज़ोर से बोलूँगी तो मे बी मम्मी या पापा कोई चिल्लाए मुझे। सो गुड नाइट, और जल्दी मिलते हैं आप। होप यू गाइज इन्जॉयड, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बाय।